हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, कोई भी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो कार की हो चाहे बाइक की हो, जब वो अपने गाड़ी की मार्केटिंग करती है, उसके एडवर्टाइजमेंट करती है, उसको प्रमोट करती है, तो एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो है कि उस गाड़ी में कितने सीसी का इंजन का यूज़ किया गया है। चाहे वो 180 सीसी हो, चाहे वो 350 सीसी हो, चाहे वो 600 सीसी हो, और इस चीज़ को कंपनी बहुत ज़ोर दे के हाईलाइट करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी गाड़ी के सीसी को खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनीज जितने सीसी के इंजन के बारे में बताती है, क्या एक्चुअली में गाड़ी में उतने सीसी का इंजन होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। इसे हम लोग इंजन का डिस्प्लेसमेंट या फिर इंजन की कैपेसिटी भी कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीसी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंजन के सीसी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पाई बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई बोर का स्क्वायर, यानी कि बोर इंटू बोर मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रोक मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सिलेंडर। यानी कि इंजन के सीसी को निकालने के लिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि उस गाड़ी के इंजन का बोर कितना है, उसका स्ट्रोक क्या है, और उस गाड़ी में कितने सिलेंडर का यूज़ किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बोर का मतलब होता है कि इंजन में जो सिलेंडर लगा हुआ है उसका डायमीटर कितना है, और स्ट्रोक का मतलब होता है कि सिलेंडर के अंदर में जो पिस्टन है उसका जो बॉटम डेड सेंटर से लेकर ऊपर टॉप डेड सेंटर के अंदर मूवमेंट हो रहा है उसका लेंथ क्या है, उस स्ट्रोक लेंथ क्या है। वैसे मैंने स्ट्रोक और बोर के ऊपर में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग को चाहिए बोर, स्ट्रोक और नंबर ऑफ सिलेंडर। चलिए अब हम लोग एक रियल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग रॉयल इनफील्ड क्लासिक्स 350 BS4 मॉडल का एग्जांपल लेते हैं, जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि वहाँ पे 350 सीसी के इंजन का यूज़ किया गया है। मैं आपको बताऊंगा उसमें ऑलरेडी सही मायने में कितने सीसी का इंजन का यूज़ किया गया है। तो जो हमारा रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है, उसका मैंने जो ब्रोशर है, जो इंजन का स्पेसिफिकेशन है, वो मैंने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड किया है, जहाँ से हमको मालूम चलता है कि उसमें जो बोर है वो है 70 mm का और जो स्ट्रोक है वो है 90 mm का। अब चूंकि हम लोग को सीसी निकालना है, जिसे अक्सर सेंटीमीटर में डिनोट किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बोर है 70 mm उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हो जाएगा 7 cm, और जो स्ट्रोक है 90 mm वो हो जाएगा 7 cm। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ एक बार कि आपको जो गाड़ी के साथ ऑनर मैनुअल जो सर्विस बुक दिया जाता है, वहाँ पे गाड़ी के आपके इंजन में कितना उसका बोर और कितना लेंथ है वो भी दिया जाता है, तो आप वहाँ से देख के अपने गाड़ी के बोर और स्ट्रोक के बारे में जान सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग डेटा मिल चुका है, बोर है 7 cm का, स्ट्रोक है 9 cm का, और यहाँ पे एक सिलेंडर का यूज़ किया जाता है, जो हमारा रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है वहाँ पे एक सिलेंडर का यूज़ किया जाता है, तो नंबर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 1। अब अगर हम लोग इन सारे ही डेटा को जो फॉर्मूला है वहाँ पे पुट करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो पाई बाई फोर है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। जब हम लोग 3.14 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो वैल्यू आ जाएगा 0.7854। चलिए अब फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, तो फॉर्मूला में पुट करने के बाद हो जाएगा 0.7854 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, चूंकि बोर का स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 9 जो कि स्ट्रोक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1 जो कि नंबर ऑफ सिलेंडर है। तो जो एक्चुअल सीसी आएगा रॉयल इनफील्ड क्लासिक्स 350 का BS4 मॉडल का, वो हो जाएगा 346.36 सीसी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लोग सोचते हैं कि 350 सीसी का है, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल है जो हमारा इंजन का सीसी है वो है 346.36 सीसी। सेम फ्रेंड्स, इसी तरह से होता है जो 110 सीसी का होता है, अक्सर वहाँ पे आप देखिएगा कि 109 सीसी ही होता है अवेलेबल, जहाँ पे 150 सीसी है वहाँ पे 149 सीसी का होता है। तो इसी तरह से आप अपनी गाड़ी के भी इंजन का सीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को अक्सर इंटरव्यू में या फिर एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल क्वेश्चन होता है। तो आई एम श्योर आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये सीख गए होंगे कि आप कैसे किसी भी गाड़ी के इंजन के सीसी को खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।